हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एलएमएस क्लास एकेडमी में और मैं हूं एमडी मुन्ना। कुछ टाइम पहले मैंने आपसे एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि सिस्को की वेबएक्स ऐप पे आप कैसे एक मीटिंग को होस्ट कर सकते हैं और अगर आपके पास कोई मीटिंग की लिंक है तो आप कैसे मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वेबएक्स ऐप पे लॉगिन करने के लिए वैसे तो आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक अकाउंट से डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं आप अपनी कंपनी का ईमेल आईडी यूज़ करें या फिर आप कोई और ईमेल आईडी यूज़ करें जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फेसबुक पे नहीं है, तो वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आप इस वीडियो को देखते जाइए। तो सबसे पहले आपको वेबएक्स ऐप ओपन करना है। तो ये वेबएक्स मीट ऐप जो है मैंने ओपन कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए सबसे नीचे एक साइनअप का बटन दिया हुआ है, तो आप जो ईमेल आईडी यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं सबसे पहले आपको उसे रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर वो रजिस्टर नहीं होगा तो आप साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले आप साइन अप बटन पे क्लिक करें। अब आपके सामने ये इस तरह का पेज आ जाएगा जहाँ पे आपको आपका ईमेल आईडी देना पड़ेगा। तो जो भी आप ईमेल आईडी यहाँ पे लॉगिन करने के लिए यूज़ करना चाहते हैं वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो मैं यहाँ पे एलएमएस क्लास एकेडमी का कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी यूज़ करने जा रहा हूँ। इस तरह से मैंने ये ईमेल आईडी यहाँ पे दे दिया है। अब इसके बाद जो है साइन अप बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये एक कंफर्मेशन कोड मांग रहा है 6 डिजिट का, जो कि उस ईमेल आईडी पे जाएगा जो ईमेल आईडी हमने यहाँ पे एंटर की है। तो आप भी अपनी ईमेल आईडी पे चेक करें कि आपको भी एक कंफर्मेशन कोड मिला है या नहीं मिला है, और जो कोड आपको मिलेगा वो आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। तो अभी मैं वो कोड जो है ईमेल आईडी ओपन करके यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। तो देखिए जैसे ही आप कोड जो है यहाँ पे एंटर करेंगे वो ऑटोमेटिक कंफर्म हो जाएगा और उसके बाद जो है वो आपको इस नेक्स्ट पेज पर ले आएगा जहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम देना है और पासवर्ड क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे ये डिटेल्स भर देता हूँ अभी। ओके, तो इस तरह से मैंने डिटेल्स भर दी और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। तो ऑटोमेटिक जो है इसने जो भी सेटअप करना था वो सेटअप कर दिया है और अब ये उस ऐप को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर ये लिंक दिया हुआ है। हालांकि हमारे पास ऑलरेडी वेबएक्स मीट का ऐप इंस्टॉल्ड है तो हमें ये डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम डायरेक्ट उस ऐप पे पहुँचते हैं और वहाँ पर लॉगिन करके देखते हैं। तो यहाँ पर अब हम साइन इन करेंगे और यहाँ पर हमें वो ईमेल आईडी डालनी है जिससे अभी हमने रजिस्ट्रेशन किया है यानी साइनअप किया है। तो ये मैंने ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर दी। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब इसको ये ईमेल आईडी जो है मिल गई है और यहाँ पर अब जो है हम यहाँ पे इस साइट पे क्लिक कर देंगे। अब आपको जो है यहाँ पे पासवर्ड देना है, तो मैं यहाँ पे इस ईमेल आईडी के लिए पासवर्ड देता हूँ जिससे ये वही पासवर्ड है जिससे अभी हमने वेबएक्स पे क्रिएट किया था। पासवर्ड देने के बाद जो है साइन इन बटन पे क्लिक करना है। और ये इस तरह से जो है लॉगिन हो गया है और अब ये जो भी इन्फॉर्मेशन इसको बैकग्राउंड में करना है वो जो है सेटअप कर रहा है।